यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने वाले। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। अभी यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन स्टडी करने वाले। अल्केन मीन्स व्हाट? अल्केन, अल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल दीज कार्बन एटम दे आर अटैच विद सिंगल बॉन्ड इज नथिंग बट द अल्केन। The general formula of alkane is CnH2n plus 2. This is the general formula of alkane. Alkane means saturated. Saturated means single bond. Okay. Second, alkene. Alkene means it contains double bond. Carbon carbon containing double bond. General formula of alkene is CnH2n. Third is alkyne. Alkyne is carbon carbon containing triple bond. General formula CnH2n minus 2. अभी यहाँ पे जो alkane है, alkane को हम क्या बोलेंगे? Saturated. Saturated बोलते हैं. Alkene and alkyne को हम क्या बोलेंगे? Unsaturated. Saturated means single bond. कहाँ पे single bond होता है? सिंगल बॉन्ड विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम इज नथिंग बट द सैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अभी यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। कहाँ पे रहेगा? कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखो अल्केन क्या एक सिंगल अल्फाबेट चेंज होता है? अल्केन एन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ए के ये रिप्लेस हो गया। अभी क्या है? ई डबल बॉन्ड और यहाँ पे Y ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला तीनों का अलग है, CnH2n plus 2, CnH2n and CnH2n minus 2। अभी यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, if n is equal to n नंबर ऑफ कार्बन एटम, n is equal to अगर 2 पुट करेंगे सभी इसमें, तो यहाँ पे पहले पुट करते हैं C2 n is equal to 2 H2 into 2 plus 2 C2 हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 2 जा 4 plus 2 मतलब C2 H 4 plus 2 6 C2 H6। अभी ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? इथेन। इथेन में यहाँ पे देखो इथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन और एन मतलब सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? CH3CH3 आता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है, C2 दो कार्बन 1 2 हाइड्रोजन 6 3 plus 2 6। ऐसा भी आप कर सकते हो CH3CH3 सेम। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? इथेन मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे देखो सेम वही स्ट्रक्चर में क्या करना है, मतलब n is equal to 2 पुट करना है अल्कीन में। क्या है जनरल फॉर्मूला? CnH2n। तो n is equal to put करो 2H2 into 2 C2H4। अभी ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इथेन है, यहाँ पे नाम चेंज होगा इथीन। ओके, डबल बॉन्ड आता है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 4 है और कार्बन कार्बन कंटेनिंग क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसका नाम चेंज होता है इथीन। इथ मतलब दो कार्बन, यहाँ पे भी इथ है यहाँ पे भी इथ, लेकिन यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ई ए नहीं। ई ए नहीं मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है, बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। और इसे क्या बोले हम? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। सेम एन इज इक्वल टू 2 सी एन एच टू एन माइनस सी टू एच टू इंटू 2 माइनस 2 सी टू 2 टू 4 माइनस 2 सी टू एच टू स्ट्रक्चर लॉक। अभी कंपाउंड कंटेनिंग कितना कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा? क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन कितने? 2 ही हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंस भी कंप्लीट करो, हो गए, कार्बन की वैलेंस भी कंप्लीट हो गई। अभी एक इथाइन, इथ मतलब दो कार्बन और लास्ट में क्या आएगा? वाई, बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। इथेन, इथीन, इथाइन सैचुरेटेड। इथेन जो कंपाउंड है अभी यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग बिटवीन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड।
यहाँ पे क्या है कार्बन क्यूच है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये दोनों इथीन एंड इथाइन अल्किन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड है। और अभी यहाँ पे जो अल्किन हम देख रहे हैं वो कैसा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या नाम एक सिंगल अल्फाबेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी देखो क्या देखा हमने, ए था डबल बॉन्ड आया, ई आया ट्रिपल बॉन्ड आया, वाई सेम इथेन इथीन इथाइन सेम, अगर हम क्या करेंगे ये इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे सेम ही स्ट्रक्चर। N is equal to 3 C3 H 2 into N is equal to हमें क्या put करना है 3 put करना है plus 2 C3 H 2 3 का 6 plus 2 C3 H 6 plus 2 8। अब ये क्या होगा propane हम उसे बोल देंगे है ना, उसका propane CH3 CH2 CH3 उसका नाम क्या आता है propane। सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, अभी देखो C3H है या नहीं, उसमें कार्बन 3 है 1 2 3, हाइड्रोजन 8 चाहिए 3 4 5 6 7 8 C3H8 प्रोपेन सैचुरेटेड। प्रोप मतलब कार्बन एटम कितने रहेंगे यहाँ पे 3, प्रोप मतलब 3 ANE इंडिकेट दैट कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अभी यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, सेम वही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे अल्किन में देखना है, अनसैचुरेटेड में वही अल्किन में देखेंगे। फुट एन इज इक्वल टू 3 सी एन मतलब 3 एच 2, अभी 2 और एन के बीच में आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन आता है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 फुट करना है सी 3 एच 3 टू जा 6 C3 यस 6 यहाँ पे C3H8 था, हाइड्रोजन 2 माइनस होते हैं यहाँ पे और 2 माइनस होते हैं, तो ये क्या आएगा देखो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने 6, कार्बन कितने हैं 3। अभी कौन से भी दो कार्बन के बीच में आने क्या करना है यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखना है। अभी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है, कार्बन की वैलेंसी कितने रहती है 4, यहाँ पे 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन, तो देखो C3H6 है क्या, कार्बन देखो 3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 चाहिए 1 2 3 4 आई यू 6 और डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे प्रोपेन है तो प्रोपेन की जगह पे यहाँ पे प्रोपीन आएगा, ये रिप्लेस करके क्या आता है यहाँ पे ई आता है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोपीन। वही अभी लास्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करो, एन इज इक्वल टू 3 पुट करना है सी थ्री एच 2 इंटू 3 माइनस 2 सी थ्री एच 6 माइनस 2 सी थ्री 6 माइनस 2 4 सी थ्री एच 4, कार्बन कितने 3 है और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 ही है, मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग क्या आने वाला है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, यहाँ पे एक ही वैलेंसी है हाइड्रोजन की, देखो कि इस कार्बन की